दोस्तों गुजरात टाइटंस की धमाकेदार जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में हुआ तगड़ा उलटफेर। राजस्थान रॉयल्स की टीम को लगा पॉइंट्स टेबल में तगड़ा झटका। तो ऐसे में क्या कुछ है पूरी खबर की जानकारी और कौन सी टीम किस नंबर पर आ चुकी है बताएंगे आपको इस खास रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप भी हैं गुजरात टीम और राजस्थान रॉयल टीम के फैन तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज आईपीएल 2022 का 24वां मुकाबला खेला गया। यह मुकाबला गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल के बीच में खेला गया और इस मुकाबले में तो राजस्थान की टीम ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया तो वहीं गुजरात की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी और ऐसे में दोस्तों मैथ्यू वेड और सुमन गिल बल्लेबाजी करने आए। लेकिन ऐसे में एक बार फिर मैथ्यू वेड ने निराश किया और 12 रन बनाकर पवेलियन चलते बने तो सुमन गिल भी आज कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 13 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। तो वहीं दोस्तों गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तो आज कमाल ही कर दिया। उन्होंने 52 गेंदों में 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली जिसमें 8 चौके और 4 छक्के शामिल थे और ऐसे में गुजरात की टीम ने 20 ओवर में 192 रन 4 विकेट के नुकसान पर बनाए। तो वहीं दोस्तों राजस्थान रॉयल की टीम की शुरुआत तो खास रही लेकिन फिर आखिरी में वो डगमगा गई। वहीं जॉस बटलर ने 24 गेंदों में 54 रनों की शानदार पारी खेली जिसमें 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। तो वहीं आर अश्विन भी 8 रन बनाकर पवेलियन चलते बने तो संजू सैमसन भी 11 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और ऐसे में राजस्थान की टीम यह मुकाबला हार गई दोस्तों। और राजस्थान के हारते ही पॉइंट्स टेबल में बड़ा बदलाव हो चुका है। तो आइए जानते हैं आखिरकार कौन सी टीम किस नंबर पर आ चुकी है। दोस्तों बात करें नंबर 10 की तो नंबर 10 पर मुंबई की टीम है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 5 मुकाबले हारे और पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है। तो नंबर 9 पर सीएसके की टीम है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 1 मुकाबला जीता और पॉइंट्स टेबल में 2 अंक है। तो नंबर 8 पर हैदराबाद की टीम है जिसने अपने 4 मुकाबले खेले 2 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। तो नंबर 7 पर दोस्तों दिल्ली की टीम है जिसने अपने 4 मुकाबले खेले 2 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 4 अंक है। तो वहीं नंबर 6 पर आरसीबी की टीम है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो नंबर 5 पर लखनऊ की टीम है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो नंबर 4 पर पंजाब की टीम है दोस्तों जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो वहीं नंबर 3 पर राजस्थान रॉयल की टीम आ गई है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो वहीं नंबर 2 पर दोस्तों केकेआर की टीम है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 3 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 6 अंक है। तो वहीं दोस्तों नंबर 1 पर अब गुजरात टाइटंस की टीम आ गई है जिसने अपने 5 मुकाबले खेले 4 मुकाबले जीते और पॉइंट्स टेबल में 8 अंक है। तो दोस्तों आपके हिसाब से आईपीएल 2022 का खिताब कौन जीतेगा और आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत